ये चीते को बाड़े से स्वच्छा नहीं देगा, ये शिकारियों से पार्क को स्वच्छा देगा, क्योंकि जो खतरा होता है वो शिकारियों से होता है, और चीते को किससे खतरा है। इनको स्पेशली ट्रैकर डॉग बनाया जाएगा, और सेकंड जो भी एनिमल स्किन है, हाथी दांत है, उन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सुंघाया जाएगा, बार बार उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे किसी भी व्हीकल या अपन किसी भीड़ भाड़ में कोई भी यदि एनिमल स्किन लिए हुए तो उसका वो सर्च कर सके और तुरंत पता लगा सके, क्योंकि हम किसी को बार बार रोक के चेक नहीं कर सकते, तो इलू तुरंत पता लगा सकता है। इनको कम से कम नहीं तो 8 घंटे की ट्रेनिंग रहती है। देखने में अच्छा था, चंचल था, फीमेल है, क्योंकि फीमेल बाल जल्दी मालती है, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। इन डॉग्स को वो लोग सुपर स्निफर्स बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी हल्की सी सेंट जो अगर कोई पोचर लेके जा रहा है उसको ये पकड़ लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास कुनो नेशनल पार्क का एक डॉग आया है इलू, और उसके साथ में 2 डॉग हैंडलर आए हैं, उसके अलावा 5 डॉग्स और हैं जो जर्मन शेफर्ड वेराइटी के हैं, और उनके साथ में 10 और वाइल्ड लाइफ वार्डन्स आए हैं। उनको हम पहले अभी ये 3 से 5 महीने के डॉग्स हैं जर्मन शेफर्ड के, और इनको सबसे पहले हम बेसिक ओबीडियंस कोर्स कराएंगे 3 महीने का, और उसके बाद 4 महीने का हम इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग का कोर्स कराएंगे। कुनो नेशनल पार्क का जो डॉग है उसको हम विशेष तौर पे जो टाइगर स्किन है और टाइगर बोन है उसके ऊपर विशेष तौर पे हम मॉड्यूल्स देंगे, ताकि क्योंकि जो चीता आया है वो कैट फैमिली से है। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Kuu.